आगा सिर्फ इसका एक सवाल और था पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक, अगर आप इजाजत दे तो मैं सवाल करता हूँ। फरमाए फरमाए। आपने भी इमरान खान साहब की काफी तारीफ की थी एक बयान में, तो उसी की बिना पर हमने भी उनको मुकम्मल सपोर्ट किया जितना हम कर सकते थे। और आजकल की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, अब वो पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, तो जो अब मौजूद है वो हमारे नजदीक वो इमरान खान साहब से बेहतर नहीं है, तो क्या हमें इमरान खान साहब को किस हद तक सपोर्ट करना चाहिए, जबकि हमें यह भी पता है कि वो उनमें बहुत सी खामियां भी मौजूद हैं, तो क्या हम लॉन्ग मार्च के लिए निकले उनके लिए और आगे पत्थर खाएं पॉलिस के, क्या इसमें कोई हमें अजर भी मिलेगा या हम न्यूट्रल होकर बैठ जाए? इमरान खान साहब जाहिर है कि अब एक सियासी किरदार नहीं है, एक नज़रिए का नाम है। इमरान खान जो कह रहे हैं कि हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए, और आप देखिए कि एक सच्चा लीडर जब कायम जब होता है तो आवाम में, हत्ता कि नाखानों में, देहात में, गांव में, शहरों में, गली कूचों में, बच्चों में कैसी सोच की बुलंदी आ जाती है। जो दूसरे हजरात हैं जो गुलामाना जहनियत रखते हैं, अगर उन्हें सरबराह बनाया जाएगा तो पूरी कौम नस्ल दर नस्ल दर नस्ल हमेशा गुलामाना जहनियत रखेगी, पस्ती की तरफ जाएगी। और अगर आप किसी ऐसे को रहबर मानेंगे जो आज़ादी और बुलंद हिम्मती और आज़म और हौसले का दर्स देगा तो कौम बुलंद होगी। अगर ऐसा रहबर इंतखाब किया जाएगा तो कौम में बुलंदी है। मुश्किलात आएंगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन बहरहाल कौम और कौम का मुस्तकबिल बुलंद से बुलंदतर और रोशन से रोशनतर होगा और मुल्क मजबूत और मुस्तहकम होगा। इजमालन इतना ही जवाब दिया जा सकता है, उसके अलावा आप हजरात खुद मसादिक समझ सकते हैं।